इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती है। आज की तारीख 30 जून 2023, आज का वार शुक्रवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज अषाढ़ माह का 27वां दिवस है। अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 1:16 अगले दिन सुबह तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय का समय है 5:26 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:23 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 4:18 शाम को और चंद्रास्त 2:56 अगले दिन सुबह पर होने वाला है। आज चंद्रमा तुला राशि में 10:20 सुबह तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। आज की सूर्य राशि है मिथुन राशि और आज का सूर्य नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में 4:10 शाम तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज का पहला कर्ण भव 2:05 दोपहर तक रहने वाला है। आज का दूसरा कर्ण बालव 1:16 अगले दिन सुबह तक रहेगा। तत्पश्चात कौलव कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के कर्ण के बारे में। भव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं। इस कर्ण के व्यक्ति शुभ कार्यों में अपने मन को लगाते हैं और अपने कार्य में निरंतर स्थायी रूप से लगे रहना पसंद करते हैं। अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्यों से ऐसे लोग दूर रहते हैं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जिससे ये किसी प्रकार की उलझन में नहीं फंसते। अपने कार्य और व्यवहार से समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। बालव कर्ण व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव प्रदान करता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्म कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं। धर्म यात्रा और तीर्थ यात्रा के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास भी ऐसे लोग करते हैं। इस कर्ण के जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जीवन में काफी धन अर्जित करते हैं। धन धान्य से पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति होते हैं। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 30 तारीख आज वासुदेव द्वादशी है। 1 जुलाई शनिवार को शनि त्रयोदशी मनाई जाएगी। वासुदेव द्वादशी, जो मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो वैवाहिक दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज का योग साध्य है 1:32 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है। किसी खास कार्य के लिए पश्चिम दिशा की ओर आज के दिन यात्रा ना करें। कोई कष्ट आ सकता है, कोई विघ्न आ सकता है। बहुत ही आवश्यक होने पर दही, शक्कर, जौ और राई, इन वस्तुओं का सेवन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें। दिशाशूल का कुछ प्रभाव अवश्य ही कम होगा। आपकी यात्रा भी सुखद और मंगलमय हो सकती है। आइए जानते हैं साध्य योग के बारे में। आपको यदि किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो यह योग अति उत्तम माना गया है। इस योग में कार्य सीखने या कार्य करने में खूब मन लगता है और पूर्ण रूप से सफलता मिलती है।
आपकी कुंडली में यदि साध्य योग है तो आप मेहनती, कूटनीतिक और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं। आप अपने काम में विश्वास रखते हैं और आपको भारी वित्तीय लाभ प्राप्त होने और सामाजिक मान्यता प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 दोपहर से 12:52 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:44 दोपहर से 3:39 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:05 सुबह से 4:45 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 10:40 सुबह से 12:25 दोपहर तक रहेगा। राहुकाल यमगण काल का समय 3:54 दोपहर से 5:39 शाम तक रहेगा। राहुकाल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय हैं, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए कार्य प्रारंभ न करें। इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, कार्य अधूरे रह सकते हैं, कार्य विलंब से पूर्ण हो सकते हैं। आज के कुछ अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 7:29 सुबह से 9:04 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, बहुत ही शुभ योग माना गया है। 4:10 शाम से 5:27 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज चर समय रहेगा 5:26 सुबह से 7:11 सुबह तक। लाभ समय 7:11 सुबह से 8:56 तक रहने वाला है। अमृत समय 8:56 सुबह से 10:40 तक रहेगा। शुभ समय 12:25 दोपहर से 2:09 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 5:38 शाम से 7:23 शाम तक रहेगा। दिन के चौघड़िये के साथ साथ रात्रि का चौघड़िया भी जाने। आज रात्रि के चौघड़िये में लाभ समय है 9:54 शाम से 11:09 तक। शुभ समय 12:25 मध्य रात्रि से 1:40 अगले दिन सुबह तक रहेगा। अमृत समय 1:40 अगले दिन से 2:56 अगले दिन सुबह तक होगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 2:56 अगले दिन सुबह से 4:11 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपका वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अगले दिन सुबह तक।